एक्सरसाइज कौन सी हमारी ये एक्सरसाइज 3.2। देखो जरा बच्चों, ये याद यहां आपको ये याद है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और थर्ड में टेन एक्स एंड कॉट एक्स पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस एक्स एंड सेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है, बाकी सभी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होते हैं। चले आगे देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको, एक दो क्वेश्चन ही करवाऊंगा, बाकी आपको खुद से करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ, cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ, क्या करेंगे इसमें देखो जरा, cos x माइनस हाफ दिया है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्या करोगे बताओ जरा बच्चों, साइन एक्स, अच्छा कॉस एक्स दिया है तो सेक एक्स तो आप सीधा ही निकाल सकते हो, सेक एक्स कितना होगा माइनस टू, और साथ में आपको क्वाड्रेंट भी दिया होगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 180 से 270 तक का एंगल आपको दिया हुआ है, थर्ड एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब यह है बच्चों ये x एंगल x आपका 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, cos थर्ड x क्वेश्चन में दिया है ना, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, cos x हमें दिया हुआ था माइनस हाफ और sec x हो गया यहां से माइनस टू, क्लियर है ये चीज। अब sin x कैसे निकालेंगे, sin x ये आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, अगर इस आइडेंटिटी को अप्लाई करें हम तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आना चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आ गया 1 माइनस माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां से क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई 4, क्या बन जाएगा 3 बाई 4, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, तो साइन एक्स क्या हो गया रूट 3 बाई 2। एक बात और, जब आपने रूट लिया है साइन स्क्वायर एक्स, अगर आपका 3 बाई 4 है तो साइन एक्स क्या होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए ना, साइन स्क्वायर एक्स अगर ये है तो साइन एक्स क्या होना चाहिए बच्चों, प्लस माइनस ऑफ 3 बाई 4, ठीक है, लेकिन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ जरा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव नहीं लिखोगे आप, सिर्फ क्या लिखोगे नेगेटिव लिखोगे, समझ गए आप, नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव क्यों लिखना है, अब तो साइन एक्स कितना हो गया रूट 3 बाई 2, करेक्ट, माइनस, समझ आया आपको, साइन आ गया तो कोसेक भी पता लग जाएगा, कोसेक एक्स कितना हो जाएगा माइनस 2 बाई रूट 3। अच्छा एक बात बताओ, साइन और कोस दोनों पता है ना, तो टेन एक्स पता लगा सकते हैं हम, टेन एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन बताओ साइन एक्स कितना है माइनस रूट 3 बाई 2, कॉस एक्स क्या है माइनस 1 बाई 2, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ गया रूट 3, करेक्ट, ये होगा टेन एक्स। चलें आगे, ओके टेन एक्स आ गया तो हम कॉट एक्स भी निकाल सकते हैं 1 बाय रूट 3, कॉट एक्स क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 3, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें मिल गए, ठीक है, आइडेंटिटी क्लास टेंथ वाली यूज करनी है, चलें आगे। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं, कॉट एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 4, कौन सा क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन है, करके दिखाओ जरा, कॉट एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 4 कैसे करोगे, कॉट एक्स दिया है और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, कॉट एक्स पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड में होगा या फर्स्ट में, थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है,
एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। कॉटेक्स दिया है तो टेन एक्स कितना हो गया, 4/3। कॉटेक्स दिया है तो टेन एक्स कितना हो गया, 4/3। वो फोन लेके गया था, देखे नहीं गया? अरे यार ये आंखें इसकी इतनी हो रखी हैं, मानता है नहीं, निकल गए। कॉटेक्स दिया था, टेन एक्स मिल गया। अच्छा सीकेंट स्केयर एक्स कितना होता है भाई, 1+10² x होता है ना। सो 1+10 की वैल्यू बताओ कितनी है, तो ये हो जाएगा 16/9। कितना हो गया, 25/9, 25/9। सो सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5/3। और थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस वैसे ही लगा देते हैं डायरेक्ट। सीकेंट आ गया तो कॉस मिल जाएगा, कितना हो गया, -3/5। ठीक है, कॉस आ गया, कहीं से भी आप साइन निकाल सकते हो। अच्छा ये बताओ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1+cot² x। ये देखो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1+cot² कॉट दिया है ना, 1+9/16, क्योंकि कॉट की वैल्यू 3/4 है, तो उसका स्क्वायर हो गया 9/16 हो गया। सो कॉट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कोसेकेंट एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, कोसेकेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 25/16। सो कोसेकेंट एक्स कितना हो गया, क्या हो जाएगा, 5/4। और क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है, तो नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दो साइन आएंगे, दोनों में से हम वो लेंगे जो क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। समझ आया तुझे, कोसेकेंट आ गया तो साइन कितना होगा, -4/5। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसके लिए आपको आनी चाहिए। चलें आगे, नेक्स्ट। तो ऐसे करोगे बच्चों ये सब, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन है वो करवाने की जरूरत है क्या, क्योंकि वैसे क्वेश्चन मैंने आपको काफी करवा दिए हैं, या देखना चाहते हो तो एक बार देख लो, छोटे छोटे हैं, मैं बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन 6 फटाफट फाइंड कर दो बच्चों, साइन 765, इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 765 की वैल्यू क्या लिखेंगे इसको, 765 को लिखेंगे 720 + 45, क्या आ जाएगा, साइन 45। और साइन 45 क्या होता है, 1/√2। ठीक है, अगला कोसेकेंट ऑफ, जरा फाइंड करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, कोसेकेंट ऑफ -1410 डिग्री क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, नेगेटिव एंगल आ जाए तो उसमें ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल, इससे बड़ा रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल क्या होगा, 1440। ठीक है, कोसेकेंट ऑफ बताओ कितना आया, 30। कोसेकेंट 30 कितना होता है, कोसेकेंट 30 बताओ, 2। समझ गए, ऐसे करना है। 10/19 टेंजेंट ऑफ 19π/3, क्या लिखोगे बच्चों, कौन बताएगा, 6π - 5/18, इसको लिखोगे 18π + π डिवाइडेड बाय कितना है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्या फर्क पड़ता है, 18π + 19π को क्या लिख दिया, 18π + π, और 3 से दोनों का अलग डिवाइड कर दिया, टेंजेंट ऑफ क्या बन गया ये, 6π + π/3। बच्चों पाई होता है 180 के बराबर, ठीक है, तो ये 6π कितना बन गया, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π।
इवन पाई हमेशा यहां पर आएगा, इवन पाई हमेशा यहां आएगा, इवन पाई और ओड पाई हमेशा यहां आएगा, याद रखो ठीक है। इवन पाई हमेशा यहां पर होगा, यहां पर, और ओड पाई यहां पर होगा, क्लियर है चीज। तो इवन पाई प्लस में पाई बाई थ्री यहां पर बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? तो ये देखो इवन पाई है ना, सिक्स पाई प्लस पाई बाई थ्री कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। अच्छा इवन, इवन पाई का सिक्स पाई को आप क्या लिख सकते हो? पाई का मतलब होता है 180, ठीक है, सिक्स इंटू 180 तो ये क्या हो गया, 12 इंटू 90 हो गया, ये 12 इंटू 90 हो गया, 90 का इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा? पाई बाई थ्री का पाई बाई थ्री ही रहेगा, ठीक है। पाई बाई थ्री मतलब 180, 180 बाई थ्री कितना, 60, टेन 60 कितना होता है, रूट थ्री, चाहे आप शुरू में ही पाई की जगह 180 लिख लो, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? साइन ऑफ माइनस 11 पाई बाई थ्री, साइन ऑफ माइनस 11 पाई बाई थ्री। मैंने बताया था कि अगर रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल नेगेटिव एंगल आ जाए तो उसमें रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड कर दो, ठीक है, उसमें रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड कर दो, क्या हो जाएगा साइन ऑफ, बताओ, माइनस 11 है ना, इसमें 12 पाई ऐड कर दो। बताया ना मैंने कि इवन पाई में हमेशा रिवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं, इवन पाई में हमेशा रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, तो 12 पाई ऐड कर दिया, नीचे कितना है 3, क्या बन गया साइन ऑफ पाई बाई 3, क्योंकि माइनस का 11 प्लस का 12 माइनस पाई बचेगा, ये आ गया। और साइन पाई बाई 3 क्या होता है, रूट 3 बाई 2, पाई का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, रूट 3 बाई 2, समझ आया। नेक्स्ट, भाई आगे वाली क्लास पहले ही सवा नौ खत्म होती है, कैसे करूंगा? वो कितना लेट हो जाएंगे, बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, 3.3, एक्सरसाइज 3.3।